उठो चराग उठाओ ये आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ ये एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मुझे सिखाएगा बड़े घर के काम कैसे किए जाते हैं। अरे बड़े साहब भी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। आया कल का छोकरा। बड़े साहब की कुर्सी पे नजर तेरे अभिमन्यु भैया की। अभिमन्यु भैया अच्छा चलिए अब ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। तू अपना मुंह बंद रख। तू ही कहती थी ना कि मैंने कत्ल किया तेरे अभिमन्यु भैया का, मैंने मारा उसे। काश मरी क्या होता। आप पर वो इल्जाम लगाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी माफी को कड़ाई में डाल के पूरियां तल। अखिला आपने अभिमन्यु भैया को, मुझे क्या करना है मुझे पता है, समझ गए? मैं तो बस इतना ही कह रही हूं कि मालिक। कौन है? हम हैं बिरजू, अंदर आ सकते हैं? आजा। सरपंच जी आपसे कोई मिलने आया। कौन है? नर्स बहन जी और हाँ शबनम बहन जी। सविता और शबनम। जाइए जाइए जाके कीजिए सरपंच गिरी। जाइए 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 जाइए। मालिक वो दोनों तो सरपंच जी से बड़े साहब का अफसोस करने आए। हाँ भाई, बड़े साहब के जाने के बाद जिसे देखो वो मुंह उठा के चला आता है बड़े घर में, इससे बड़ा और अफसोस क्या होगा। जाइए मिलाइए अपनी नर्स भैंजियों से। जाइए बिरजू। बड़े साहब चले गए मगर बड़े घर के नियम अब भी वही हैं। समझ गया। जा। ये छोटे लोग आज के बाद बड़े घर के आसपास भी नहीं दिखाई देने चाहिए। समझ गए। जा। अभी मिलने हो भैया। बहुत पहले से। ये प्रशांत भी बहुत अजीब है, मुझे यहाँ पर खाने पे बुलाकर खुद गायब हो गया। तू बैठ ना। और सुना क्या हाल चाल है तेरे? ठीक ही है। अब पानी शानी पी ना, मैं डाल देती हूँ। ठंडे रख। गायब नहीं हुआ सिद्धांत जी, मैंने ही उसे भेजा है जानबूझ के, ताकि तेरी और इसके रिश्ते की बात कर सकूं। सेठ तू शादी कब कर रहा है? संभाल के क्या हुआ? संभाल के ना ना मुझे शादी। हाँ देख,
अभी से लड़की देखेगा तभी तो बात बनेगी। वैसे हमारे कनेडा में भी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, क्यों? हाँ जी बिल्कुल, रंग बिरंगे बाल, कान की बाली आंखों में, उल जलूल कपड़े, फेस पे कलर। ओला, ये तो हिप्पियों के काम होते हैं, हिप्पियों के। हमारी सानिया को देख, एकदम गुड़िया जैसी लगती है। पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, संस्कारों वाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनसे ज्यादा सुशील और संस्कारों वाली लड़की तो आपको मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वरना ऐसे ही कोई ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर कोई हिंदुस्तान क्यों आएगा, वो भी गांव की कहानी पर लिखने, वो भी सो अन इंडियन लोगों के साथ। ओलाला, वही तो मैं कह रही हूँ। कहने को तो सानिया हमारी बड़ी बड़ी कनेडा में है, पर उसका दिल जो है ना, ट्रू इंडियन है जी, इंडियन है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। बुआ सिर्फ तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ पतंग उड़ाता हूँ, वो भी सिर्फ 15 अगस्त को। आप मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाइए। I know what you were doing, Siddhant. You were teasing me, right? Why would I? ओ लाला, चुप कर। लड़कियाँ लड़कों से बहस नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बुआ जी। बुआ? मुझे मोना बोलो। मोना। मोना जी? लेकिन आपकी बात केवल एक इंडियन लड़की समझ सकती है। कनाडा शनाडे की लड़की क्या जा रही है संस्कारों के बारे में? इन्होंने इंडिया के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जाना है, वो भी इंटरनेट की मेहरबानी है। How dare you, सिद्धांत? मेरे संस्कार इंटरनेट से नहीं है, मेरे पेरेंट्स के दिए हुए हैं, जो कनाडा में रहते हुए भी इंडियन है, तुम्हारी तरह अन इंडियन नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जो भी कुछ बोलो, सोच समझ कर बोलो। नर्स बहन जी, वापस चलते हैं ना। क्यों, क्या हुआ? मेरा तो इस घर में पैर रखते ही दम घुटने लगता है। एक अजीब सा डर दिल में बैठ जाता है। ऐसा लगता है इस घर में इंसान नहीं, भूत बसते हैं, भूत। गौर से सुनो तो इस घर में सन्नाटे में भी चीखें सुनाई देती हैं। जल्दी चल बेटा। सुशीला? भाई साहब आप इसे लेके चले जाएंगे। लेकिन लेकिन तुम्हें महिंदर कहाँ है महिंदर? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती भाई साहब, बस आप तुरंत इसे लेके यहाँ से निकल जाइए भाई साहब। कुछ मत पूछिए भाई साहब, राजपुरा से चले जाइए, वरना वो लोग इसे भी मार डालेंगे भाई साहब। लेकिन लेकिन बात क्या है भाई साहब, मुझसे एक वादा कीजिए कि आप इसे लेके कभी राजपुरा वापस नहीं आएंगे भाई साहब, कभी भी नहीं भाई साहब। वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए भाई साहब। खोलिए नर्स बहन जी, पानी जल्दी। रामू काका,
पानी लाइए जल्दी। आँख खोलिए ना जल्दी। उठिए आराम से जी से संभल। अरे आप ठीक है ना? क्या नाटक चल रहा है यहाँ? अफसोस जताने आई है या नौटंकी करने? ए दर्जी की छोरी, ले जा अपनी नर्स बहन जी को यहां से। इस घर के आसपास दोबारा दिखाई दी ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। चलिए नर्स बहन जी, थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए। नहीं सरपंच जी, मैं ठीक हूँ। ऐसी जरा चक्कर आ गया था। आप चिंता मत कीजिए, चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब सरपंच जी। नमस्ते। चलिए संभाल के। घबराओ नहीं सर, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बहन जी ठीक है आप? चलिए आइए।